सो हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग? आई होप बहुत अच्छे होंगे। मैं आज आपके लिए न्यू टिप्स लेकर आया हूँ न्यू बिगनर्स के लिए, जो पहली बार गाड़ी स्टार्ट करते हैं सीखना, और जिनको बिल्कुल गाड़ी नहीं आती, गाड़ी के बारे में नॉलेज भी नहीं होता, तो स्टार्टिंग कैसे करें, ग्राउंड में जाके करें या रोड में करें, मैं ये सारी चीज़ें बताऊंगा। सबसे पहला पॉइंट होता है कि क्लच, ब्रेक, एक्सीलेटर, इसके बारे में जान लें। सीट बेल्ट लगाना कैसे करना, सीट को आगे पीछे करना जरूरी है। अगर सीट को आगे पीछे नहीं करेंगे तो सामने की विजिबिलिटी जो होती है सामने की, वो कैसे ऑपरेट करेंगे अपन, और नीचे पैर क्लच ब्रेक एक्सीलेटर तक पैर पहुंच पा रहे हैं नहीं पहुंच पा रहे हैं, किस तरीके से बैठिंग सिटिंग होनी चाहिए, और क्लच ब्रेक एक्सीलेटर क्या होता है और इसे कैसे ऑपरेट करते हैं। सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट ये होता है, तीन चीजें होती हैं कैसे ऑपरेट करना है। लोगों को यही नहीं पता होता है कि क्लच क्या होता है, ब्रेक क्या होता है, एक्सीलेटर क्या होता है। जिनको पहली बार गाड़ी स्टार्ट करते हैं न्यू बिगिनर्स के लिए, जिनको स्कूटी भी चलानी आती वो भी कार सीखना चाहते हैं, तो उनके लिए सबसे पहले कि स्टार्टिंग कैसे करें। ज्यादा डिफिकल्ट कुछ नहीं है, टेंशन लेने की कोई दिक्कत नहीं है। सबसे पहले क्या करना है अपन को, गाड़ी को ग्राउंड पे ले आए आराम से आसानी से, उसके बाद इन चीजों को वीडियो देखें जो मैं आपको वीडियो बना के बता रहा हूँ। वीडियो को देखते हुए इजिली तरीके से आप धीरे धीरे ड्राइविंग कर सकते हैं। तो मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। आपको पहला पॉइंट है कि क्लच, ब्रेक, एक्सीलेटर होता क्या है, और सबसे पहले गाड़ी को सीट बेल्ट लगा लें। सबसे पहला पॉइंट होता है सीट बेल्ट लगाना। सीट बेल्ट लगाने के बाद में फिर ऐसी सारी चीजें, ये होता है सीट बेल्ट। तो सीट बेल्ट कैसे लगाए, तरीके से लगाया जाता है, यहाँ से ये लॉक होता है नीचे, इधर पे फिट किया जाता है। सीट बेल्ट लगाने का तरीका होता है, ये एक बेल्ट ऐसा होना चाहिए और एक बेल्ट ये होना चाहिए। हमेशा सीट बेल्ट इस तरीके से लगा सकते हैं, यहाँ से आता है ऐसे ये, और इसके बाद ये नीचे, और यहाँ पर लॉक हो जाता है। इस तरीके से अपन को सीट बेल्ट लगाना होता है। इसके बाद ये देख रहे हैं आप तीन चीजें, नीचे लेफ्ट, राइट और सेंटर पे, तीन चीजें होती हैं जो गाड़ी ऑपरेटिंग करने में सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण चीजें होती हैं। ये लेफ्ट तरफ होता है क्लच, बीच वाला होता है ब्रेक, राइट तरफ होता है एक्सीलेटर। इन तीन चीजों को कैसे ऑपरेट करेंगे ये चीज बताऊंगा। और क्लच, ब्रेक, एक्सीलेटर होता क्या एक्चुअली में, क्लच क्या होता है, देखो क्लच होता है जो इंजन को कंट्रोल करके रखता है। गाड़ी स्टार्ट रहेगी, गियर पे भी रहेगी तो क्लच इंजन कंट्रोल करके रखता है। दबा रहेगा ये, प्रेशर रहेगा फुल तरीके से, अगर छोड़ोगे तो गाड़ी हिट हो सकती है। ठीक है, क्लच होता है इंजन को कंट्रोल करने का। ठीक है, क्लच के बिना कुछ नहीं कर सकते, ना गियर लगा सकते, ना ही आप गियर लगा सकते, ना ही गाड़ी ड्राइव कर सकते हो। ठीक है, ये हुआ। और राइट तरफ होता है एक्सीलेटर, ये होता है एक्सीलेटर जो राइट वाले पैर से ऑपरेट किया जाता है। ठीक है, ये राइट वाले पैर से एक्सीलेटर क्या होता है आपको पता होगा, अगर स्कूटी चलाना आती तो होता है स्पीड बढ़ाने के काम आता है, अगर नहीं आती तो जान लें आप कि एक्सीलेटर से स्पीड को जितना प्रेस करेंगे उतना तेज भगेगी गाड़ी। ठीक है, एक्सीलेटर से स्पीड बढ़ाया जाता है। ब्रेक क्या होता है, ब्रेक से स्पीड कंट्रोल होती है। ब्रेक से अगर कहीं भी रोकना है गाड़ी को तो तरीके होते हैं कि क्लच दबा के ही ब्रेक लगा, स्लो चल रहे हैं 40 से नीचे तो क्लच दबा के ही ब्रेक लगाते हैं, और 100 पे चल रहे हैं तो पहले ब्रेक लगता है उसके बाद फिर क्लच दबता है फिर ब्रेक लगता है। पहले 100 से नीचे 40 तक डायरेक्ट ब्रेक आएगा, उसके बाद ब्रेक छोड़ ब्रेक दबाते हुए धीरे धीरे क्लच भी दबाना साथ में, तो क्लच दबा के आराम से ब्रेक धीरे धीरे स्टॉप कर सकते हैं। ये होती है तीन चीजें, क्लच, ब्रेक, एक्सीलेटर। अब इसका उपयोग कैसे करें, इसका उपयोग जब गाड़ी स्टार्ट करते हैं सबसे पहले कैसे करते हैं, क्लच को दबाना है फिर गाड़ी को सेल्फ से स्टार्ट करना है, यहां से की से पहले गाड़ी को क्लच को दबाना है पूरा। अब बहुत से लोग ध्यान देते हैं कि हमेशा न्यूट्रल पे स्टार्ट करो, ये भी बेस्ट है, और जरूरत नहीं है कि न्यूट्रल पे स्टार्ट करना है, गियर पे भी हो गाड़ी तो इजी तरीके से आप क्लच दबा के स्टार्ट कर सकते हैं। क्लच को अपन ने ये प्रेस किया, अब इसके बाद अपन स्टार्ट कर सकते हैं, है ना। उसके बाद स्टॉप भी करना है तो क्लच दबाना आराम से ब्रेक लगाना है ये। ठीक है, ये क्लच का हो गया, स्टार्ट करने का प्रोसेस होता है। क्लच दबा के हमेशा स्टार्ट करो, कुछ भी हो, कहीं भी खड़ी हो गाड़ी, किसी तरीके से खड़ी हो, हमेशा क्लच दबा के स्टार्ट किया जाता है ना। उसके बाद ब्रेक, कभी भी स्टॉप करना है, जैसे कभी भी स्लो करना है तो स्लो करने का तरीका होता है, स्लो आराम से दबाया जाता है, ब्रेक थोड़ा सा, जब भी गाड़ी स्टार्ट करते हो हमेशा क्लच दबा के ही स्टार्ट करना कंपल्सरी है। अब रहा ब्रेक का, ब्रेक क्या होता है, देखो डायरेक्ट ब्रेक भी लगाया जाता है, किस कंडीशन में लगाया जाता है, अगर 100 की स्पीड से चल रहे हो तो 40 की स्पीड तक वापस आते डाउन करते हो, 40 स्पीड तक आप डायरेक्ट ब्रेक लगा सकते हैं, उसके बाद क्लच दबाना बहुत कंपल्सरी होता है। उसके बाद अपन गाड़ी बंद हो सकती है, गाड़ी वाइब्रेशन करेगी बहुत तेज रुकने की। ठीक है, उसके बाद एक्सीलेटर, एक्सीलेटर कभी भी क्लच दबा के एक्सीलेटर नहीं दिया जाता। बहुत से लोग क्या करते हैं, क्लच दबाए रहते हैं एक्सीलेटर देते हैं, ये गलत है। क्लच छोड़ने के बाद धीरे धीरे एक्सीलेटर दिया जाता है, और एक्सीलेटर का जो पैर रखने का तरीका हमेशा इस तरीके से, बहुत से लोग पूरा पैर रखते हैं ये गलत है, पूरा पैर से उसका प्रेस है ना, जो पैर का जो हार्ड प्रेस होता है वो ज्यादा लगता है तो गाड़ी तेज जल्दी भगती झटके मारती है। उससे बेस्ट है कि अंगूठे से, ये स्टार्टिंग अंगूठा आराम से धीरे धीरे
प्रेस कर सकते हैं। ब्रेक को भी ऐसे पंजे से किया जाता है, बहुत से लोग पैर पूरा रख लेते हैं, क्लच को भी हमेशा पंजे से इस तरीके से ऑपरेट किया जाता है। ये तीन चीजों के बारे में जान लिया तो आप गाड़ी आसानी से चला सकते हैं। स्टार्टिंग न्यू बिगनर्स के लिए, जो स्टार्टिंग में किसी को कुछ नहीं आता है, ग्राउंड में आराम से गाड़ी लाइए, किसी की जरूरत नहीं है। ये वीडियो के थ्रू आप आराम से धीरे धीरे गाड़ी को ऑपरेट कर सकते हैं। ज्यादा कुछ नहीं है, धीरे थोड़ा सा आगे करिए, फिर थोड़ा पीछे करिए, धीरे आगे करिए, थोड़ा सा सामने का विजिबिलिटी देख सकते हैं कैसे जा किस तरफ गाड़ी जा रही है, इधर उधर इस तरीके से आपको ऑपरेट कर सकते हो, किसी की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो आपको कैसे लगी वीडियो क्लच ब्रेक एक्सीलेटर की? आपको अगर वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो कोई अच्छी इंटरेस्टिंग होगी तो इसको शेयर करिएगा और वेट करिएगा नेक्स्ट वीडियो, आपको मैं जरूर जल्दी से जल्दी आपको बना के बताऊंगा। और एक चीज और, इसमें आपको ये नहीं बताई मैंने आपसे कि गाड़ी को आगे पीछे कैसे किया जाता। मैं आपको गाड़ी को आगे पीछे बता रहा हूँ कैसे करना है, सीट को आगे पीछे कैसे करना है। ये होता है नीचे लीवर, आप सीट को ये देखो पीछे चली गई और इसी को ये आगे आ गई। किस तरीके से आपको बैठना है ये डिपेंड करता है आपके ऊपर कैसे बैठना है, इस तरीके से अपन को ऑपरेट कर सकते हैं। तो गाइस वीडियो को शेयर जरूर करिएगा, लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, कमेंट करिएगा। आपको जो भी दिक्कत हो, जो भी इंफॉर्मेशन हो, आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं कि क्या दिक्कत हो रही, क्या नहीं दिक्कत हो रही, उसके अकॉर्डिंग मैं आपको वीडियो बना के जरूर भेजूंगा। थैंक यू सो मच, धन्यवाद।